कोशिश करेंगे गोरखपुर तक कि आखिर सड़कों का हाल क्या है, जनता का मिजाज क्या है। तो चलिए चलते हैं बाबा गोरक्षनाथ पीठ के दरबार की तरफ गोरखपुर में। गोरखपुर में तो माहौल योगी आदित्यनाथ का ही है, यहाँ कोई मुकाबला ही नहीं है योगी के आगे। 2027 तक बाबा योगी जी हमेशा बरकरार रहेंगे। यूपी में का बा, यूपी में सब बा, बाबा का बुलडोजर है और क्या है। इस बार यूपी में का बा, योगी सरकार, मोदी सरकार। देश में सियासी सरगर्मी लगातार बनी हुई है। छठवें चरण की सबसे हॉट सीट यानी कि गोरखपुर, जहां पर अलग अलग तरह की परिस्थितियां बन रही हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव। टाइम्स ऑन अब भारत का चुनावी रथ आ पहुंचा है गोरखपुर, वो गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश की सियासत का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र रहता है, वो गोरखपुर जहां पर छठवें चरण का मतदान होना है, वो गोरखपुर जहां से योगी आदित्यनाथ जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, यहां के लोग उनके चेहरे पर मतदान करेंगे, या ये कहा जाए कि उनके चेहरे पर जो पार्टी ने दांव लगाया है, अब उनकी अग्नि परीक्षा जरूर होने वाली है 3 तारीख को। और इसके पहले यहां पर क्या है मिजाज, लोगों की क्या है मुद्दे, ये अगले 1 घंटे तक हम जानेंगे। हर सियासी पहलू हम समझेंगे और साथ ही साथ नेताओं की क्या प्रतिक्रियाएं हैं ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन चुनाव के पहले जो सियासी बयानबाजियों का दौर जारी है, किसने क्या कहा, किसने आरोप प्रत्यारोप लगाया, सबसे पहले वो देखिए। हराना है, हराओगे, फिर से उनके महल में वापस भेजोगे। 11 तारीख की तो उन्होंने टिकट बुक कर ली है लखनऊ से गोरखपुर की, बुक हो गई कि नहीं हो गई। हर सीट पर पटकनी देनी है, देंगे क्या, कोई सीट उनके पास जाने नहीं चाहिए, करोगे ना। अरे बीजेपी वालों की जमानत नहीं जब्त की तो क्या जिताया आपने। यूपी के भविष्य के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। जो सबसे बड़े नेता हैं वो सफेद झूठ बोल रहे हैं। अखिलेश जी है ना, ये निर्बल गेंदबाज है, ढीले डाले गेंदबाज। ये डबल इंजन की हालत इसलिए हुई है क्योंकि जनता समझ गई है, इसीलिए इनकी झूठ की पटरियों को उखाड़ फेंकने के लिए एक साथ खड़ी हुई है। हुआ भतीजा की सरकारों ने उत्तर प्रदेश को जातिवाद के जहर से बांट कर रखा है। चेहरे को ढंग से देखना, जरा चेहरे को ढंग से देखना, होश उड़ गए उनके होश। अब भारतीय जनता पार्टी किसी के रुकने से रुकने वाली नहीं। आजकल मैं शाम को देखता हूँ कुछ धुआं उड़ता नजर आता है, बताओ इनसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है, ये बताओ झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। और गोरखपुर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो भी कर रखे हैं, सीधा रुक करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में मौजूद हैं, अब यहां से वो चुनावी मैदान में हैं और एक बड़ी संख्या के साथ में लोगों के बीच में पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ पीठ से हैं और सबसे खास बात इसी सीट से 5 बार सांसद रहे हैं और अब एक बार फिर वो यहां से जनता के बीच में हैं, चुनावी मैदान में हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। एक तरफ आपको ये भी बताते चले, एक बड़ा जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा है। कल चुनावी शोर थम जाएगा और उसके पहले सियासी सरगर्मी किस तरह से देखी जा रही है टीवी स्क्रीन पर लगातार आप यहां पर देख रहे हैं। पार्टी के जो तमाम नेता हैं, कई दिग्गज लगातार यहां पर मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह से अब यहां पर सियासी सरगर्मी बढ़ रही है, चाहे बात भीम आर्मी की हो,
चाहे बात समाजवादी पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, इन तमाम नेताओं का आखिर क्या रुख है, ये भी हम समझेंगे। मेरे साथ में एक बड़ा पैनल गेस्ट का मौजूद रहेगा। सभी राजनीतिक दलों से हम उनकी स्थिति जानेंगे, किन मुद्दों के साथ में वो जा रहे हैं ये समझेंगे। लेकिन उसके पहले जरा समझिए, गोरखपुर में 9 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 8 पर बीजेपी का कब्जा है और 1 पर बीएसपी। लेकिन 2012 में यहां पर सियासी समीकरण कुछ अलग हुआ करते थे, यहां पर जो विपक्ष है उसका कब्जा हुआ करता था, और एक यही वजह है कि एक बार फिर से विपक्ष अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने की जुगत में लगा हुआ है। लेकिन क्या वो इतने कामयाब हो पा रहे हैं? खास तौर से गोरखपुर की जनता के क्या सियासी मुद्दे हैं, जरा ग्राउंड रिपोर्ट एक बार देखिए। हराना है वो सफेद झूठ बोल रहे हैं, ये निर्बल गेंदबाज है, ढीले ढाले गेंदबाज। होश उड़ गए होन के होश। भारतीय जनता पार्टी किसी के रुकने से रुकने वाली नहीं। पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो गोरखपुर में भी कई ऐसे स्थान हैं जिनको डेवलप किया जा रहा है, ताकि यहां पर पर्यटक भारी संख्या में आए और यहां की जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका लुत्फ उठा सकें। इस वक्त हम रामगढ़ ताल के अंदर हैं और यहां पर वाटर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी डेवलप की गई है। इसके साथ ही आप जहां तक आपकी नज़र जाएगी आपको सिर्फ पानी पानी दिखाई देगा, और यहां पर लोग आते हैं शाम के वक्त में वॉक करने के लिए, और इस ताल के अंदर इस तरीके की बोट पर बैठकर वो इसका आनंद लेते हैं। इस बार जो है छठवें चरण में गोरखपुर में चुनाव है, यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उम्मीदवार हैं, तो इस बार गोरखपुर में क्या माहौल है, कैसा चुनाव चल रहा है? सर, गोरखपुर में तो माहौल योगी आदित्यनाथ का ही है, चाहो तो सारे लोग बीजेपी को वोट देने की बात कर रहे हैं। क्यों, ऐसा क्या वजह है कि सिर्फ बीजेपी को वोट देने की बात करें? क्योंकि इस बार गोरखपुर में काफ़ी तरक्की किया योगी आदित्यनाथ, जैसे इलेक्ट्रिक बस, अब यही हम वो ये घूम रहे हैं, तो इससे पहले ये नहीं था। सपा यहाँ से जीत रहे, विजय बहादुर यादव जो यहाँ के कैंडिडेट हैं वो जीत रहे, क्योंकि जो पिछली बार विधायक थे उन्होंने अपने एरिया के लिए बहुत सारा काम किया है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सिराथू और करहल के बाद सबसे हाई प्रोफाइल सीट है गोरखपुर की, गोरखपुर शहर सीट, जहां से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उम्मीदवार हैं। इस बार गोरखपुर में चुनाव इसलिए हो रहा है कि मार्जिन को बड़ा रखना है, या यहां पर भी जो जातिगत समीकरण है वो मायने रखते हैं इस बार के चुनाव में? देखिए, यहाँ जात पात का तो नाम ही नहीं चलता है, ये शहर है गोरखपुर मंदिर का, गोरखपुर मंदिर इस शहर का देखभाल करता है, और मंदिर से जुड़े हुए जो पुजारी होते हैं इस शहर के नेता 300 साल से हैं। अपोजिशन भी कहीं खड़ा है इस सीट की बात करें तो? नहीं, इसमें अपोजिशन का कहीं से कोई स्थान नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि महाराज जी ने कहीं से भी कोई जगह ही ऐसा नहीं छोड़ा है कि अपोजिशन उसमें कहीं से कोई नजर आने वाली बात है। काफी विकास किया है जो है शहर नहीं, नहीं उत्तर प्रदेश नहीं, जो सड़कें जर्जर थी आज उन सड़कों की स्थिति सबके सामने है। गोरखपुर में जनता के आखिर क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वो मतदान कर रहे हैं, खासतौर से ऐसे व्यक्ति जो रोजी रोटी के लिए लगातार दिन रात मेहनत करते हैं। आइए, मैं इस समय वैसे शास्त्री चौक में मौजूद हूँ, यहाँ पर कुछ रिक्शा चालकों से पूछते क्यों भैया ये बताओ इस बार चुनाव में क्या माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है मैडम जी। कैसे आपको, किन मुद्दों के साथ में लगता है चुनाव होगा इस बार? चुनाव में तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने वाला है योगी जी का, और बहुत बम्पर रोड से जीतेंगे। लेकिन काम हुआ है, काम किया है? बिल्कुल काम हुआ है, एम्स आ गया यहाँ पे, आपका क्या बोलते हैं फर्टिलाइजर आ गया, पूरा रोड यहाँ से पूरा खजनी सिकरीगंज तक पूरा रोड सही हो गया है, सहजनवा सही हो गया है, अब क्या चाहिए? बिजली, सड़क, अस्पताल बन गया, 24 घंटा बिजली है, रोड का तो ऐसा काम हुआ है कि जो कभी नहीं हो सकता था। हाँ भैया, नीचे उतर जाओ, सब अपने रथ पे सवार हैं, आप भी अपने रथ पर सवार हो। ये बताओ किन मुद्दों पर इस बार चुनाव हो रहा है, क्या करते हो आप? जी हम तो होंडा में मैनेजर हैं। अच्छा जी, किन मुद्दों पर, मतलब गाड़ी बेचते हो? जी जी गाड़ी। अरे वाह, क्या बात है, इस बार किसकी गाड़ी चलेगी? बाबा की गाड़ी चलेगी, बाबा की गाड़ी चलेगी।
और दूसरे और बाबा तो बोल रहे कि और इस बार जीतेंगे उसके बाद में दूसरों पर बुलडोजर भी चलेगा। अरे गाड़ी में तो बुलडोजर भी नजर आ जाती है ना। चलेगा इधर आओ। अरे पीछे छुपके क्यों बोल रहे हो? कौन किस पे भारी है जरा ये बताओ। इधर आ जाओ भैया। कौन किस पे भारी है? बाबा जी सब पे भारी है। बाबा का बुलडोजर सब पे चलेगा। अखिलेश जी तो लगातार यहाँ पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनका कोई जादू चलेगा? नहीं मैडम, उनका कोई जादू नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे बिजली लाइट सड़क देखिए, रात में अगर बच्चियाँ लिकर नहीं है तो भी छेड़छाड़ नहीं हो रहा। बाबा का सरकार सबसे बढ़िया सरकार है। यूपी में का बा, यूपी में सब बा, बाबा का बुलडोजर है और क्या है। क्या क्या काम हुआ है? सड़कें बनी है, आपका एम्स खुला है, बहुत सारे काम योगी जी ने कराया है, इसलिए हम लोग योगी जी के ही समर्थक हैं। कोविड का प्रभाव नजर नहीं आया? नहीं आया है, कोविड का भी तो, कोविड का ही योगी जी का ही समर्थन है, मोदी जी का ही समर्थन है कि कोविड में भी इतनी जनता बैठी हुई है, नहीं तो पता नहीं क्या हुआ होता। फ्री में मुफ्त में इतना टीकाकरण करवाया गया है, अदर सरकारें क्या करती कोई भरोसा नहीं। पहले के मुकाबले महिलाओं के लिए बच्चियों के लिए कुछ बदलाव हुआ है? थोड़ा बहुत तो हुआ है, लेकिन अब ये नहीं कह सकती कि एकदम डेवलप हो गया हर चीज, थोड़ा बहुत तो हुआ है पहले। हाँ हाँ थोड़ा बहुत हुआ है। जैसे जैसे कि पहले बहुत ज्यादा लड़कियाँ अकेले रात में घूमती थी तो रेप वगैरह कुछ भी हो जाता था लड़कियों के साथ, लेकिन अब सेफ है। अब डर नहीं लगता? नहीं, क्योंकि डर नहीं लगता बिल्कुल नहीं, मैं थोड़ा बहुत तो सेफ है। हम कई सारी योजना आ गई है लड़कियों के लिए, जैसे निर्भया योजना, ये सब हुआ। खान साहब ये बताइए, इस बार यूपी में काबा योगी बाव कौन है? अच्छा योगी जी को वोट देंगे भाई, ये तो कहा जा रहा था कि जो मुस्लिम आबादी है वो अखिलेश जी को वोट दे रही है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। किस वजह से योगी जी को वोट देंगे? काम अच्छा है और क्या। क्या क्या काम हुआ है? एम्स बना है, फर्टिलाइजर चालू हुआ है, अपनी गोरखनाथ की रोड सही हुई है। गोरखपुर की जनता को सुना, उनके मुद्दे सुने, उनकी क्या शिकायतें हैं, क्या इच्छाएं हैं अपने नेताओं को लेकर, ये आपने सुनी। लेकिन आखिर नेताओं के क्या दावे हैं वो आपको बताते हैं। मेरे साथ में एक बड़ा पैनल मौजूद है, मेरे साथ में भीम आर्मी से अब्बास गाजी जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राहुल तिवारी जी मेरे साथ में मौजूद है, समाजवादी पार्टी की तरफ से जाफिर अमीम डक्कू जी मौजूद है, मेरे साथ कांग्रेस से विवेक सिंह मौजूद है, आम आदमी पार्टी से अजीत श्रीवास्तव मौजूद है। आप सभी का स्वागत है। और सबसे खास बात ये कि हमारे साथ में और आम जनता भी मौजूद है, यानी कि हम उन लोगों से भी पूछेंगे कि भाई आपके मन में क्या सवाल है। आप यहाँ पे महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सबका भी मत जानेंगे, क्योंकि चुनाव मतलब टाइम्स ना ना भारत, जनता के मन का हर हाल, नेताजी के आखिर जो तमाम वादे हैं। सबसे पहले मैं यही जान लेती हूँ कि आखिर किन मुद्दों के साथ में हमारी जो पूरी पार्टी, जो ये कहा जाए जो पैनल है, वो आखिर किन मुद्दों के साथ में चुनावी मैदान में है। सबसे पहले मैं आप ही से शुरू करती हूँ अब्बास गाजी जी, भीम आर्मी किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में? रोजगार, महंगाई और सबसे मेन मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा का। इस मुद्दे पे कोई बात नहीं करना चाहता। कहाँ नहीं बात करना चाहता, ये तो जमकर हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की बात हुई, महिला सुरक्षा की बात हुई। हाँ यही महिलाएं सुरक्षा थी ना, जहाँ जिला पंचायत के चुनाव में महिलाओं की साड़ी खींची गई, यही तो उत्तर प्रदेश था। महिलाओं की इज्जत लूटी गई, किस तरीके से उनके साथ, यानी कि आप ये कहें कि आप महिला सुरक्षा, आप कहीं वो चीज याद है कि आप भूल गए? आप महिला सुरक्षा ने तो दिखाया था, सबसे ज्यादा टाइम्स नाउ ने तो दिखाया था किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के चुनाव में किस तरीके से महिलाओं के साथ जो है, मैं कह भी नहीं सकता कि किस तरीके से महिलाओं के साथ हरकत की गई थी। तो क्या इस चीज को आप भूल गई हैं? याद है कि नहीं आपको? हाँ, 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 बताइए। तो यही सब मुद्दे हैं। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में 5 साल के अंदर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को 20 साल पीछे धकेला गया है जी। मैं इस पर बात करूंगी, मैं सोच रही सभी के एक रिएक्शन लेंगे मुद्दों को लेकर। बीजेपी किन मुद्दों के साथ में इस बार है गोरखपुर सीट से? नैना जी देखिए, आजादी के बाद ये पहला चुनाव है, 5 चरण आप देख चुके हैं इस चुनाव को। हमारी भारतीय जनता पार्टी अपने सुशासन और विकास के मुद्दे को लेके आज मैदान में आई है जी। ये पहली बार हुआ है इतिहास में कि भाजपा अपने द्वारा किए गए कार्यों को लेकर जनता के बीच में गई है, न कि किसी एजेंडे, फर्जी एजेंडे और प्रोपेगेंडा को लेकर वो आज जनता के सामने है। विकास की बात हो रही है, लेकिन इस बीच तो विकास के अलावा कई अलग अलग मुद्दे आ गए, बल्कि शिकायत तो यही है कि विकास की जगह बुलडोजर आ गया, जिन्ना आ गया, बुरका हिजाब आ गया, सब आ गया। नहीं, अपने
अपने देखिए इनकी सरकारों में पूर्ववर्ती सरकारों में अपने बाहुबल के बदौलत गरीब जनता पे अन्याय करने वालों को आज बुलडोजर चलाया ही जा रहा है और उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। जो गलत होंगे हम बुलडोजर चलाएंगे, हमारे योगी महाराज उनके ऊपर बुलडोजर चलाएंगे। ये तो दबंगई या धमकी वाली बात नहीं है, जाके पूछिए गाजीपुर में दबंगई क्या होती थी, मऊ में दबंगई क्या होती थी, यहाँ यही गोरखपुर है, यही गोरखपुर है, आप जनमत का राय लीजिएगा। ठीक है बिल्कुल। एक सेकंड मैं बाकियों के पास जाऊं, लेकिन एक बात बताइए, जो राहुल जी कह रहे हैं सही है? राहुल जी जो कह रहे हैं सही है? क्या क्या है? विकास के मुद्दे पर जा रहे हैं, बेरोजगार के मुद्दे पर जा रहे हैं, हम लोग पकौड़ा तल रहे हैं, बीएड एमएड करके हम लोग पकौड़ा तल रहे हैं, और कह रहे हैं अमित शाह जी कि गोबर को जो है बेचिए उससे कारोबार कीजिए। बताइए पढ़ाई करने के बाद हम लोग साथी से मेरा सवाल है, इलाहाबाद के युवाओं को क्यों लाठी मरवाया इन लोगों ने? केंद्र में इनकी सरकार, प्रदेश में इनकी सरकार, ये लोग युवाओं को क्यों लाठी मरवा रहे हैं? क्यों नहीं गोरखपुर विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय बना? इनकी उम्र देखिए, अगर ये बीएड एमएड किए हैं अखिलेश की, इसके पहले सरकार थी, क्यों नहीं डीएम बन गए, आईएएस पीसीएस क्यों नहीं बन गए? बात करते हैं अखिलेश की, सफाई का केवल उन्होंने सफाई का विकास किया, आज योगी बाबा है यहाँ खड़ा है, ये खड़ा है इस पक्के पे खड़े हैं। इस बार यूपी में का अखिलेश की इस बार जो है अखिलेश यादव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो देखिए जिनको जो जिनको अपने देश से प्रदेश से विकास से कोई मतलब नहीं, जो अंधभक्त टाइप के लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ मतलब अंधभक्ति का काम। आपको लगता है विकास नहीं हुआ? देखिए जो विकास होना चाहिए था, विकास का मतलब यह है कि आम व्यक्ति का विकास होना चाहिए, सिर्फ पत्थर लगा देने से विकास नहीं होता है, आम व्यक्ति का जब तक विकास नहीं होगा तब तक वो विकास नहीं होगा। सिर्फ पत्थर लगे हैं क्या गोरखपुर में? देखिए पत्थर भी लगे, पत्थर जहाँ जहाँ भी जाके देखिए, आप नाव चल रही थी, आप एनडीआरएफ की नाव चल रही थी, मोहल्लों में नाव चल रही थी, ये विकास हो, इसीलिए लोगों को दिक्कत है कि एक सुअर बाड़े से अच्छी जगह बन गई, योगी बाबा बना दिए तो सबको दिक्कत है। अच्छी जगह गोरखपुर में जितने विकास हुए सब अखिलेश यादव जी के प्रोजेक्ट थे, सबके शिलान्यास। अगर अखिलेश ने विकास किया था तो 2017 में जनता ने क्यों न कर दिया? जनता ने आपकी बारी ला रही है, जनता इस बार ला रही है, धारा बेच देंगे गगन बेच देंगे, धारा बेच देंगे गगन बेच देंगे, अगर दोबारा भाजपा वाले आ गए तो ये वतन बेच देंगे, भाजपा को नहीं लाना है, ये भाजपा देश बेचने वाले हैं। गोरखपुर से बनारस मार्ग, गोरखपुर से बनारस मार्ग। अभी जो है जब कोरोना काल आया था उस समय मेडिकल कॉलेज में बच्चे भर्ती थे 100 नंबर वार्ड में, और उसमें जो है 500 लोग बच्चे मर गए, बिना घर हो गए, जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं वापस लौटती हूँ यहाँ पे महिलाएं भी हैं, उनका भी रुख करती हूँ, लेकिन जरा समाजवादी पार्टी से जफर अमीम जी, इस बार किसका काम बोलेगा? 2012 वाली परिस्थिति या 2017 वाली परिस्थिति, किन मुद्दों के साथ में है आप गोरखपुर में? पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक गांव में नहीं घुस पा रहे हैं, उनके पार्लियामेंट के मेंबर गांव में नहीं घुस पा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के गांव से भगाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सुन रहे हैं इसलिए कि कोई काम नहीं किया इन्होंने। जो किसानों के खेत हैं वो सांड और आवारा पशुओं ने चल लिया, और ये यही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सांड आवारा पशु ने पूरा उत्तर प्रदेश चल लिया, जनता उनसे परेशान है, बेरोजगारों को कोई नौकरी नहीं मिली। सबसे पहले तो हम आपको इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि जिस जगह आपने इस प्रोग्राम को रखा है इस जगह पे मरने वाले को आनंद मिलता था, आपने इतना जिंदा लोगों को आनंद दिला दिया, इस बात की हम आपको बधाई देंगे। यहाँ के सांसद ने कहा था कि जो मरेगा और जलेगा उसको बहुत आनंद आएगा, तो कम से कम जिंदा लोग आज आनंद लेने के लिए आ गए, इसकी हम आपको बधाई देंगे। लेकिन विकास के मुद्दे के साथ में अगर बीजेपी यहाँ पर, एक कांग्रेस अपने आप को किस जगह पर देखती है, किन मुद्दों के साथ में है? आपने कहा विकास, विकास तो मर गया गोरखपुर के अंदर ही, एक होटल के अंदर मारा गया विकास। आपने पूछा मुद्दा क्या है, ये चुनाव नहीं है, ये रण है धर्म का, धर्म के विरुद्ध अंधकार और उजाले के बीच की लड़ाई है, ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है।
महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, शिक्षा। आपको आपको लगता है कि गोरखपुर में जो चुनाव है वो धर्म के नाम पर हो रहा है ना कि विकास के नाम पर? धर्म भी नहीं, इनको धर्म का भी मतलब नहीं मालूम है, विकास भी कुछ नहीं है, विकास की तो हत्या इन्होंने कर दी। धर्म का जो रूप आप देख रहे हैं, जय श्री राम का जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, श्री राम का नाम हमें सौम्य मधुर बनाता है, हमें शांति प्रदान करता है, लेकिन इनका जो मुद्दा क्या है, कांग्रेस का मुद्दा क्या है? कांग्रेस का मुद्दा है 40% रिजर्वेशन लड़कियों को दिया उन्होंने, स्मार्टफोन्स बच्चों को, लड़कियों को स्मार्टफोन्स दिया गया, लड़कों बच्चों को जो ग्रेजुएशन करने के बाद जाएंगे उनको स्कूटी भी मिलेगी, और हम किसानों की आय भी दुगनी करने के प्रयास कर रहे हैं 2500 प्रति। नहीं, ये तो वादे हुए, लेकिन मुद्दे क्या है? देखिए, आप सबके पास में मैं आऊंगी, लेकिन जरा सुनते हैं, सुनिए, आप सबका रुख करते हैं, लेकिन भाई आम आदमी पार्टी किस जगह पर अपने आप को देख रहे हैं? 70 सालों में उत्तर प्रदेश की जनता ने सभी पार्टियों को देख लिया, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा। हमारे 3 मुद्दे हैं, पढ़ाई, कमाई, दवाई। बच्चों की पढ़ाई कैसे हो अच्छे से, हॉस्पिटल की व्यवस्था कैसे अच्छे हो अच्छी तरीके से, बच्चों को रोजगार कैसे मिले, हम इन मुद्दों पर लड़ रहे हैं। अभी जब भारतीय जनता पार्टी की पकौड़ा योजना जब फेल हो गई, तब वो गोबर योजना लेके आए। तो ये सारे मुद्दे तो पार्टी के भी है, बीजेपी के भी है। बीजेपी के मुद्दे हैं, बीजेपी के सिर्फ मुद्दे, हमने उसको करके दिखाया। और सबसे बड़ी बात कि जैसा अमित शाह का लड़का अरबों रुपए क्रिकेट खेल के कमा रहा है, और उत्तर प्रदेश का युवा क्या गोबर बेचने के लायक है? उत्तर प्रदेश का युवा क्या गोबर बेचने के लायक है? लेकिन सुनिए जरा, आप लोग जब अपने नेताओं को नहीं सुनेंगे, सवाल कैसे पूछेंगे? सवाल युवाओं के क्या? मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले गोरखपुर में बीआरडी कांड हुआ, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार था, जिसमें 68 बच्चों की माओ की गोद सूख ली हुई, अब वो एक्सीडेंट नहीं, वो सीधा सीधा हत्या था, और उसी ऑक्सीजन की कमी, कोविड प्रोटोकॉल में देखा लाशें ऑक्सीजन के लिए तरस रही थी। तो ये क्या इस बार चुनाव में नजर आएगा? सबसे ज्यादा मुद्दा ऑक्सीजन का रहेगा, क्योंकि लाशें जो गंगा में तैरती रही। मैम, ये वो जगह है कि जहाँ दाह संस्कार के लिए लोग जहाँ पीड़ित थे, जिनको गैस नहीं मिल रही है, जिनके परिवार के सदमे में थे, और लाइन लगा के एक एक लाश को दो दो तीन तीन दिन हिंदुस्तान की जनता परेशान है, आज हमारे हिंदुस्तान की जनता परेशान है, और आज योगी सरकार। ठीक है, जरा थोड़ा शांति। देखिए कोई क्या कह रहा है आप लोग सुन नहीं पाएंगे, कोई क्या कह रहा है सुन नहीं पाएंगे, लेकिन महिलाओं की स्थिति क्या है? जी जेंट्स का सुनिएगा, लेडीज का। अरे नहीं, बिल्कुल आप ही। हम लोग इतने परेशानी में हैं, हम लोग के घर चूल्हा नहीं बन रहा है, गरीब आदमी हम लोग, ठेला चलाने वाले रोड पर ठेला पर नहीं हम लोग बेच पा रहे हैं। लेकिन ये कहा गया कि राशन दिया जा रहा है, सिलेंडर राशन खाली खाएंगे, गेहूँ 10 किलो खा कर रह जाएंगे, 10 किलो राशन खा कर सिलेंडर नहीं मिला, राशन वाला मिला था, राशन मिलता ही नहीं बैठा हमने, राशन नहीं तो आपने कभी योगी जी से शिकायत की यहाँ के? कैसे करी? हम लोग का मकान नहीं बना था, गिरल बा, हम लोग खाई राशन मिलता है दो बार, राशन मिलता है, सिलेंडर मिलता है? नहीं सिलेंडर पहले मिला था, नहीं। 1000 महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं चलाई गई हैं, आपको लगता है कि वो योजनाएं महिलाओं तक पहुंचती हैं? हम लोग आशा बहू हैं, और आशा बहू की अध्यक्ष हम चंदा देवी हैं, और हम कहना चाहते हैं जितनी पार्टियां आज दावा कर रही हैं, हाँ लोग हल्ला कर रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि जब से माँ के पेट में बच्चा 3 महीने का आता है, हम आशा बहुएं जो हैं 5-10 साल उसकी सेवा करते हैं, अगर एक बच्चा को कुछ हो जाता है तो हम लोग पर कि इनको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। जब सरकार इतना बड़ा निर्णय हमको दी है तो क्या सरकार हमको मानने में हम नहीं है? एक मजदूर की मजदूरी आपके घर काम करेगा तो 400-500 रुपया लगता है, मुझे 10 रुपए पर काम कराया जाता है, बच्चों को दवा हम लोग खिलाते हैं 10 रुपए पर दिन भर गुम गुम,
यही सरकार की नीति है, ये लोग हल्ला करते हैं। इसी सवाल के साथ में मैं जाती हूँ, राहुल जी यहाँ पर महिलाएं सबसे ज्यादा नाराज हैं, युवाओं के तो मुद्दे हैं, लेकिन जिस महिला सुरक्षा की बात हुई, जिन बेसिक योजनाओं के साथ में सिलेंडर की बात हुई, राशन की बात हुई, उस पर नाराजगी जताई जा रही है। जी महिला सुरक्षा सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है, हमारी पार्टी ने महिला सुरक्षा और सम्मान की दिशा में जितने सकारात्मक कदम उठाए हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। आप याद कीजिए वो दिन 2012 से लेकर 2017 का कार्यकाल इनका, सड़कों पर निकलने में डर लगता था। ये कहते हैं कि मुकदमे उस समय कम थे, जब लिखे ही नहीं जाएंगे तो कम क्यों नहीं होंगे। और आज हमारे यहाँ हर शोषित पीड़ित वंचित की आवाज सुनी जाती है, हमारी माताएं बहनें सम्मान से आज समाज में खुल के कदम से कदम मिला के चलना चाहती है। क्या ये सही बोल रहे हैं? क्या ये सही बोल रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान मिला है सारी व्यवस्था? देखिए हम लोग का घर गिरा है लेकिन मकान बना नहीं, घर कब नहीं बना, ठीक है। लेकिन आपको ये बताते चले लोगों के, आपकी भी जवाब आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन आपको ये बताते चले गोरखपुर ये वो जगह है जहाँ से योगी आदित्यनाथ जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो चुनावी मैदान में हैं, और पहले 5 बार सांसद रहे हैं, लेकिन पूरी जी तोड़ कोशिश लगाई जा रही है, यानी कि ये कहा जाए कि यहाँ पे थोड़ी परिस्थिति बदलती नजर आती है, लेकिन किस तरह से पूरा चुनावी वॉर रूम तैयार किया गया है वो आपको दिखाते हैं रविकांत राय की रिपोर्ट के जरिए। आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो इस बार के इस विधानसभा नंबर 322 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी की है, किस तरीके से वॉर रूम बनाया गया है, जो मुख्यमंत्री की सीट है विधानसभा की उस पर पल पल मॉनिटरिंग की जा रही है और क्या कुछ तैयारियां हैं। आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं, मंदिर प्रांगण के अंदर ही ये वॉर रूम बनाया गया है। वॉर रूम की तस्वीरें देखिए, आप देख सकते हैं कि जो शहर विधानसभा है वहां पर किस तरीके से मतदाताओं से बातचीत जाती है, इसके अलावा किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर ये कॉल सेंटर बनाया गया है और यहाँ से लगातार जो मतदाता हैं भारतीय जनता पार्टी के उनसे फीडबैक लिया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है। तो ये वॉर रूम बनाया गया है मंदिर परिसर के अंदर। इसके साथ ही यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो हर वक्त मौजूद रहते हैं, IT की टीम रहती है। इसके साथ ही प्रचार सामग्री किस प्रकार की होती है, कैसे पैम्पलेट बांटे जाते हैं और कौन कौन से लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है, हर सुबह यहाँ पर लोग आते हैं। आप तस्वीरों में देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के जो पटके हैं, झंडे हैं और जो प्रचार सामग्री गोरखपुर को जो सौगातें दी गई हैं मुख्यमंत्री, किस तरह से हर स्तर पर तैयारी की गई है इस पूरे चुनाव को लेकर। 6वें चरण का मतदान होना है और ये कहा जाए कि गोरखपुर सीट सिर्फ लखनऊ नहीं बल्कि ये कहा जाए कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधती है, लेकिन इस बार जो ये शक्ति प्रदर्शन की तस्वीर है कुछ और नजर आती है। आज सुनने में आया है कि भीम आर्मी की तरफ से जो रोड शो निकाला गया उसमें एक बड़ा सैलाब था, क्या ये सैलाब वोट में तब्दील हो पाया? बहुत बड़ा, बड़ा नहीं बहुत बड़ा, इतना बड़ा था कि आपका कैमरा अगर कवर करना चाहता तो जनसैलाब को कवर नहीं कर पाता, आपके कैमरे का लेंस छोटा पड़ जाता, इतना बड़ा जनसैलाब। आपको लगता है ये भीड़ क्या वोट में, की धरती भी हिल गई उस जनसैलाब से? और मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ कि उस रैली से, उस जनसैलाब से बहुत लोगों को नींद नहीं आएगी आज की रात में, आज वो सो नहीं पाएंगे उस जनसैलाब से, आज की रात वो सो नहीं पाएंगे। 10 को पता चलेगा ये नींद गायब होगी क्या? इनकी गायब होगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि महिलाएं सामने खड़ी हैं, कितना महिलाओं के अंदर गुस्सा है आपके सामने, आप देख लीजिए कितना महिलाओं के सामने। लेकिन समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में अपने आप को किस जगह पर देखती है, अखिलेश यादव जी का क्या जादू चलेगा यहाँ पे? देखिए यहाँ का बहुसंख्यक समाज हमारे हिंदू भाई बहुत नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। महंगाई का मुद्दा अपनी जगह, बेरोजगारी का मुद्दा अपनी जगह, लोग परेशान हाल हैं, गैस का सिलेंडर जो है इतना महंगा हो गया, रसोई गैस का,
आज जो हालात हैं उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ जय श्री राम का नारा लोग लगा रहे हैं और भगवान राम की वल्दियत बदलने वाले, भगवान राम के पिता का नाम बदलने वाले, ये इससे बड़ी गाली कुछ नहीं हो सकती। ऐसे गाली देने वाले संजय निषाद को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ रखा है और उनको मिलकर चुनाव लड़ रही है। लेकिन इस बार तो राम को गाली दिया, लेकिन इस बार उसके साथ चुनाव, यहाँ का हिंदू बहुत नाराज है कि भगवान राम को गाली देने वाले को, उनकी वल्दियत बदलने वाले को भारतीय जनता पार्टी ने क्यों अपने साथ रखा है, क्यों उनको अपने साथ रख के चुनाव लड़ रही है। लेकिन इस बार चुनाव में जो मुद्दा है वो जिन्ना का भी आ गया, इस बार साइकिल बम का भी आ गया, इस बार जिन्ना गन्ना की भी। ये लोग जय श्री राम का नारा लगा के जनता इनसे जवाब पूछ रही है कि भगवान राम के पिता का नाम बदलने वाले उनके खिलाफ जो है उसके खिलाफ रहना चाहिए, उसको साथ लेके क्यों चल रहे हैं। ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा धर्म युद्ध है, लेकिन आप मुझे बताइए विवेक जी, क्या प्रियंका गांधी का जादू चलेगा यहाँ? बिल्कुल जादू चलेगा। कितना, कैसे चलेगा? जब NRC की बात हो रही थी, जब किसानों के ऊपर अत्याचार हो रही थी, अखिलेश यादव अपने घर में बैठे थे इसी कमरे के अंदर, मायावती जी चुप्पी साथ के बैठी हुई थी, जो एक शख्स था, जो एक शक्ति थी, नारी शक्ति, वही सिर्फ आगे आए, जिसको योगी जी ने बंद करवा दिया, नजर बंद करवाया, ऊपर से स्टेटमेंट भी दिया कि झाड़ू लगाने लायक है। अभी इनके साथ ही भाजपा के नाम NRC तो दिल्ली का मुद्दा एक तरह से नजर आया, क्या दिल्ली के मुद्दे गोरखपुर या यूपी में? NRC दिल्ली का मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा है। किसने कहा? जो दंगे हुए, दंगे तो इनके राज में हमेशा ही होते रहते हैं, इन दोनों का ही है। और एक जो हमारे भाजपा के और सपा के दोनों के कार्यकाल इस देश ने, उत्तर प्रदेश ने देखा है, एक भ्रष्टाचार से भरा हुआ है और दूसरा दंगों से भरा हुआ है। इस बीच योगी आदित्यनाथ से भी हमारे सहयोगी खास बातचीत कर रहे हैं और सबसे खास बात, चुनाव प्रचार जोरों पर जारी है, CM का क्या कहना है वो भी सुनाते हैं। ठीक है, CM की तरफ सुनाओ, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं पहले ये देखिए, लोग क्या कह रहे हैं इस बार दादा, क्या राम के नाम पे वोट कर रहे हैं? जी नहीं, कर्मचारी के हित की जो बात करेगा उसको हम लोग वोट करेंगे। हमारा लड़का जवान हो गया और उसकी शादी नहीं हो पा रही, नौकरी नहीं मिली उसको, 42 साल का लड़का हो गया। तो आपको ऐसा लगता है कि इस बार चुनाव में धर्म की बात हुई, हिंदू मुस्लिम की बात हुई, विकास के मुद्दे की बात हुई? विकास की ही बात हो रही है, विकास पे ही वोट पड़ेगा, विकास देश में वही राज करेगा। जो समस्या थी वो जल भराव की थी, 5 साल में ड्रेनेज सिस्टम पे कोई भी काम नहीं हुआ। हम लोगों की पेंशन सबका साथ सबका विकास में, कर्मचारी का विकास नहीं दिख रहा। हमारी पेंशन नहीं दिया और मैडम एरियल रख दिया, एरियल खा गई लड़की का जेवर मेरा गिरवी रखा है, समझे? मेरी लड़की रो रही है कि पापा जेवर ला के दो, एरियल नहीं दिया उन लोगों ने। सरकार भाग गई, जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही प्रदेश पर राज करेगा। पुरानी पेंशन हमारी मुख्य मांग है। पेंशन का मुद्दा, युवाओं के क्या मुद्दे? भाई आ गया, युवाओं के क्या मुद्दे? युवाओं के लिए रोजगार के मुद्दे है, रोजगार है मैम युवाओं के लिए। मैम वैकेंसी नहीं आ रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी मैम रुकी हुई है, हम लोग युवा हैं कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, मैम वैकेंसी आनी चाहिए, ये भी उड़ जाएगा हमारा पास, वैकेंसी आनी चाहिए। यानी कि अलग अलग इधर की भी तरफ आते हैं, इधर की भी तरफ आते हैं। इस बार यूपी में किसका जादू चलेगा? साइकिल का जादू अखिलेश यादव का, इसलिए चलेगा क्योंकि वादा पूरा करते हैं वो, अब झूठी बात नहीं करते। वादे पूरे किए तो आखिर जनता ने क्यों पिछली बार नकारा था? BJP इस बार चुनाव। ठीक है, इस बीच CM योगी आदित्यनाथ से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की, योगी आदित्यनाथ का क्या कहना है सुनिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में प्रचार कर रहे हैं।
पेंशन आपको देखिए, यहाँ की तस्वीरें योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए उमड़ी है। योगी जी, टाइम्स नाउ नव भारत पर आपका स्वागत है। ये पूरा सैलाब जो है गोरखपुर के साथ साथ पूर्वांचल के बारे में क्या कह रहा है? जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य, अवध, बुंदेलखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है, पूर्वी उत्तर प्रदेश भी वही आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के लिए दे रहा है। योगवाड़ावा जनसैलाब इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। योगी जी, आप लगातार कैंपेन कर रहे हैं, पांच चरण हो गए, छठवां आपके गढ़ में है, छठवें चरण तक आपका आकलन क्या कहता है, कितनी सीटों तक बीजेपी पहुंच चुकी है? देखिए, पांच चरण में ये तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से काफी आगे जा चुकी है और अब तो छठे सातवें चरण में भारतीय जनता पार्टी को छक्का और चौका ही लगाने हैं जो फिर एक बार 300 पार का लक्ष्य प्राप्त कर सके, और वो हम लोग उसी दिशा में व्यापक जन समर्थन को साथ लेके चल रहे हैं। योगी जी, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से जनसैलाब हम देख रहे हैं, पैर रखने की जगह नहीं है, ये जो प्यार है पूर्वांचल का, गोरखपुर का, ये क्या कह रहा है और 10 मार्च को किस तरीके से इसे आप जो है अदा करेंगे? ये प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के प्रति, सुरक्षा, विकास और सुशासन के प्रति आम जनता का आशीर्वाद है। चलिए, योगी आदित्यनाथ जी हैं जिनका ये कहना है कि 10 मार्च को देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में जनसभा कर रहे हैं। दरअसल कल चुनावी शोर थम जाएगा, लेकिन इस बार सभी राजनीतिक पार्टियां गोरखपुर के माध्यम से अपनी जमीन बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को कितनी संभावना नजर आ रही है, कितनी वोटों के साथ में यहां पर? बहुत संभावना है और सबसे बड़ी बात की युवाओं का एक बहुत बड़ा जन आक्रोश हमारे साथ है। लेकिन एक बात और, जिस वजह से राष्ट्रवाद की बात होती है, इस बीच तो अरविंद केजरीवाल पर भी टेररिज्म को लेकर सवाल। देखिए, अगर जो है अच्छे स्कूल बनवाना, अच्छे हॉस्पिटल बनवाना, बच्चों को रोजगार देना आतंकवाद है, तो हाँ ये आतंकवाद है। इसको अगर आप लोग आतंकवाद कहते हैं, वो अच्छे स्कूल बनाता है, अच्छे रोजगार दिया उसने, और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है तो ये कहते हैं कि इलेक्शन 80-20 पे होगा, 80-20 पे नहीं, खाता खोल पाएगी क्या आम आदमी पार्टी? बच्चों की फीस पे अप्रत्याशित नतीजे आपको 10 मार्च को देखने को मिलेंगे, अप्रत्याशित नतीजे जो आप सोच नहीं सकती। कांग्रेस अपने आप को यूपी में कितनी सीटों के साथ में देख रही है, क्योंकि ये चुनाव सबसे अहम चुनाव होगा, क्योंकि पिछली बार राहुल गांधी आए, इस बार प्रियंका गांधी आई, आपको लगता है प्रियंका का जादू चल पाएगा? प्रियंका का जादू पहले भी चला था, अब भी चला है और आगे भी चलता रहेगा। कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है, अगर वो सरकार बना लेती है तो अच्छी बात है, अन्यथा वो मजबूत विपक्ष के रूप में भी रहेगी। और मैं एक और बात बता दूं कि जनता इनसे बहुत त्रस्त हो चुकी है और इतना झूठ इन्होंने बोला है, इनकी झूठ को सुन करके एक ही अदम गोंडवी जी की याद आ जाती है, जिन्होंने कहा था तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी लगते हैं, तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी लगते हैं, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी लगते हैं। ठीक है, एक बार मैं लोगों से पूछ लेती हूँ कि आखिर ये आंकड़े आज कहाँ हैं इनके, ये पहले ही हार मान चुके हैं, ये मैदान में है ही नहीं, किस बात की ये बात कर रहे हैं, कहाँ है युवराज? ये पिकनिक टाइम है इनके लिए, लोकतंत्र का ये चुनाव है, तो क्या ये भी मुद्दा बीजेपी के लिए है? ये जब मुद्दे की बात करते हैं तो एक मुद्दा इनके लिए भी बनना चाहिए, ये हमारे लोग में प्रश्न उठाते हैं, तो इनका नेतृत्व तो कहाँ है, हम भी प्रश्न उठाएंगे। अब की बार जो है नौजवान सबक सिखाएगा, नौजवान झूठ बोला था ना, 2 करोड़ इनसे पूछ लीजिए कि 2 करोड़ नौकरियाँ कहाँ है, या तो ये कह दे कि हमने झूठ बोला था, तब युवा इनको माफ कर देगा अगर कह दे कि हमने झूठ बोला था। लेकिन एक बात तो इसकी भी बड़ी जोरों से चर्चा पे है कि भीम आर्मी ने अपने प्रत्याशी को सिर्फ इसीलिए उतारा था कि वो लाइमलाइट में आ जाए योगी आदित्यनाथ। हम जीत रहे हैं कहाँ से लाइमलाइट की आप बात कर रहे हैं, हम जीत रहे हैं यहाँ से। आप देखिए, गोरखपुर में सदर विधानसभा में जनता के अंदर इतना
इतना गुस्सा है कि जनता ने मन बना लिया है योगी जी के खिलाफ। जो है चंद्रशेखर जी एक विकल्प बने, बहुत मजबूत विकल्प, और ऐसा विकल्प है कि 10 मार्च को यहाँ से चंद्रशेखर आजाद जी जो है चुन के विधायक। ठीक है, लेकिन महिलाओं के मुद्दे अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहे। इस बीच कांग्रेस महिलाओं के मुद्दे के नाम पर आई, बीजेपी ने महिलाओं के नाम पर, महिला सुरक्षा के नाम पर तमाम बातें कही। क्या अब उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा खुश नहीं है? क्यों नहीं? वोट पड़ने से हम लोग खुश नहीं है, हम लोग का नाराजगी है, बहुत नाराजगी है। अच्छा अच्छा, महिलाएं सुरक्षित हैं? हाँ, पहले अच्छे थे, सुरक्षित है महिला। मैं यहाँ सवाल पूछने के लिए, क्या कांग्रेस की मौजूदगी आपको नजर आती है? कहीं कांग्रेस आएगी चुनाव? नहीं, कहेंगे कांग्रेस ना भाजपा अपने वादा को पूरा करे, केवल समाजवादी पार्टी। कांग्रेस कहीं कोई लड़ाई में नहीं है, अगर टक्कर में आए तो अखिलेश पार्टी आएगी। टक्कर किसके बीच में है? टक्कर किसके? सपा और भाजपा, सपा और भाजपा के बीच में टक्कर होगी। देखिए, मेन मुद्दा ये है कि रोजगार का, नौजवानों को रोजगार का, और यहाँ हल्ला करने से मुद्दे नहीं दबते हैं, हल्ले करने से मुद्दे नहीं दबते हैं। यहाँ ये है कि अगर हम अपने आजादी को, अपने बच्चों को 147 अगर बताए हैं, 1947 में देश आजाद हुआ, अब तो ये बताना पड़ेगा कि 12वीं के बाद इंटर करो और लिखो कि 2014 में आजादी आई। सिर्फ रोजगार का मुद्दा है, सबसे जरूरी रोजगार। हल्ला कौन कर रहा है? हल्ला वही लोग कर रहे हैं जो किसी सत्यता को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दो बात में एक मैं बात कहना चाहता हूँ। देखिए, बुआ बबुआ तीन तीन बार आए, ठीक है, महाराज जी सिर्फ एक बार आए हैं। जहाँ आप खड़ी हैं, देखिए, ये स्वर्ग हो गया है। अगर एक बार और महाराज जी आ जाएंगे तो प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दिया हुआ 2016 में दरअसल ये रामघाट है और नदी के एकदम नजदीक, इसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा, लेकिन इसी खूबसूरती पर एक कलंक कोविड के समय पर भी लगा। लोगों का कहना है कि ये वही जगह है जहां पर लाशें लगातार बिछी हुई थी, लेकिन इसके बाद में कोविड को लेकर स्थिति कंट्रोल करने की बात भी कही गई। आपको लगता है कोविड मिसमैनेजमेंट का जो सवाल यहाँ पर लोग उठा रहे हैं वो मुश्किल में डालेगा? नैना जी, सवाल कौन उठा रहा है? कोविड काल में ये विपक्षी पार्टियां थी कहाँ, ये सवाल आप इनसे पूछिए। हमारा लगा था कोविड काल में सैकड़ों लाशें यहाँ जल रही थी, 100 जल रहा था, और यहाँ बोर्ड लगा के ढक दिया गया था कि कोई देखे ना, और उस पे वावेला मचा था। ये पूरा चिताएं जल रही थी। देखिए, हिंदू समाज ये पूछ रहा है कि 2017 में आप नफरत की बुनियाद पे चुनाव लड़े थे, अब वो समाज ये पूछ रहा है कि हजारों लाशें गंगा में बही, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी एक मुसलमान की लाश क्यों नहीं बही, जबकि उनके कब्रों में भी पटरा लगता है। लेकिन इस बीच ये भी नाराजगी थी कि अखिलेश जी कोविड की फर्स्ट वेव के दौरान कहाँ थे, ये भी बार बार लोग सवाल बताइए। उनकी पत्नी डिंपल यादव, उनके बच्चे जो मजदूर आ रहे थे महाराष्ट्र से, उनको पानी खाना देने का काम किए किस नेता के? इनके वहाँ से कोई नहीं निकला। ये लोग, दरअसल आप कोविड की स्थिति को समझिए। दरअसल ज्यादातर लोग यूपी और बिहार के थे जो पलायन करने को मजबूर थे, लेकिन उसकी भी तस्वीर यहाँ पर नजर आई। लोगों से ये जान लीजिए, मेरा सवाल कोविड के दौरान की परिस्थितियाँ भी क्या चुनाव में मुद्दा है? ना है कि मनीष हत्याकांड गोरखपुर में होता। हम हैं, जिंदा हैं, जब लोकतंत्र को मारा जा रहा है। आपको लगता है क्या? लड़ रहा था, डट के सामना कर रहा था। जब अखिलेश यादव घर में बैठे हुए थे उस समय कांग्रेस, सीटों का बताइए आखिरी तरह। सीटों डेफिनेटली जीतने के लड़ रहे हैं हम। आम आदमी पार्टी का खाता खुलेगा?
खाता, पूरा युवाओं का हुजूम हमारे साथ है। अप्रत्याशित नतीजे आपको 10 मार्च को देखने को मिलेंगे। ठीक है अब यानी कि जनता का मैंडेट क्या है ये 10 मार्च को पता चल जाएगा। 10 मार्च आखिर जनता किसे अपना मुखिया चुनती है, किसका राष्ट्रतिलक चलती है, ये 10 मार्च को पता चल जाएगा। और अब देखिए नेताजी हाजिर हो जिसमें लोगों के मन के सवाल, मन की शिकायतें अपने नेताजी के साथ में सुनिए। विकास के नाम पे आप वोट कीजिए। सबसे बढ़िया अखिलेश सरकार। हेलो हेलो, कृपा करके इन लोगों को वोट दीजिएगा। ये बताइए अयोध्या में जो आपके पिताजी कांड किए थे इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? विकास नहीं हुआ है? विकास बहुत हुआ, आप खुद धंधे हैं। धन्यवाद अखिलेश जी, इस बार साइकिल को विजयी हम लोग बनाएंगे। मुख्यमंत्री योगी जी को कोटि कोटि प्रणाम। युवाओं को रोजगार चाहिए, चाहे बाबा हुए, चाहे बाबू हुए, चाहे कोई भी हुआ। योगी जी चाहिए क्योंकि आज की डेट में हम कहीं भी जाते नहीं, दौड़ जाते, रात रात दिन कहीं भी रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। धर्म जात हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान की राजनीति के अलावा विदेशी राजनीति होती है, उसकी कुछ बात क्यों नहीं करते आप? 4 किलो बकरा के गोश्त मंगा सकते हैं मगर 2 किलो करुक तेल मंगा नहीं सकते। 2 किलो करुक तेल मंगाने में नानी मामी आ जाएगा। एक कोई सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ। सरकार जनता के लिए सब बराबर है कि इनको जीता है। योगी जी, योगी खाली नाम है, सिर्फ योग्यता तो है ही नहीं। थोड़ा सा कमी हर सरकार में होती है, इनके भी सरकार में कुछ कमियां हैं, वो भी अगली इस बार आएंगे वो भी दूर हो जाएगी। कौन सा विकास है? मंदिर के नाम पे जोगी बने बैठे हैं। इनसे सही तो ये है बेचारे सीधे जो इनके रोजगार को छीना इन्होंने। अगर इस देश को बचाना है तो माननीय अखिलेश जी को लाना है। हमारे लिए बहुत अच्छा किए हैं ये, गोरखपुर के विकास के लिए, गोरखपुर के विकास के लिए, पूरी जनता के विकास के लिए। इनसे बड़ा, इनसे अच्छा इंसान कोई नहीं हो सकता है।